हेलो गाइस, जैसे कि आप सबको पता है पिछली वीडियो में फ्रैंकलिन एंड चॉप और शिनचैन को लगा कि वो क्रशर किलर कार ख़त्म हो गई है। लेकिन जैसे ही फ्रैंकलिन बाहर जाता है वो क्या देखता है, वो गाड़ी वापस आ गई है, वो भी सही सलामत। और वो गाड़ी उनके ऊपर अटैक कर देती है और जैसे तैसे करके वो भाग जाते हैं। और फ्रैंकलिन वालों को लगता है कि भाई उन्होंने पीछा छुड़ा लिया उस गाड़ी से, लेकिन भाई वो जहाँ पर भी जाते हैं वो गाड़ी सबसे पहले पहुंच जाती है। फिर भागते भागते भाई एक जगह आती है जहां पर फ्रैंकलिन के दुश्मन बिलास गैंग का अड्डा होता है। वहां पर फ्रैंकलिन अपना दिमाग दौड़ाता है, उसे भाई एक आइडिया आता है। फ्रैंकलिन उनके अड्डे में जाकर वहां पर उस क्रश किलर कार को बुला लेता है और वो भाई तहस नहस कर देती है उस अड्डे को। वहां से भाई फ्रैंकलिन वाले तो भाग जाते हैं, लेकिन भाई वो गाड़ी भी भाई उनके पीछे आ जाती है। फिर भाई जैसे तैसे करके भाई फ्रैंकलिन उस गाड़ी को खत्म कर देता है और समुद्र के बीच में उसे फेंक देता है। फ्रैंकलिन को लगता है उसकी जान अब इस गाड़ी से छूट चुकी है। आप सबको क्या लगता है, वो गाड़ी वापस आएगी या नहीं? अगर वो किलर कार वापस आ गई तो वो फ्रैंकलिन के साथ क्या करेगी, देखते हैं इस वीडियो में। चलो भाई, फाइनली मैंने अपनी जान छुड़ा दी है उस कर्स किलर कार से। भाई वो किलर कार लिटरली भाई हम तीनों को मार ही डालती। वैसे देखो ये लॉस सैंटोस का नजारा क्या ही बढ़िया लग रहा है दूर से। भाई लाइटिंग तो भाई क्या ही खतरनाक लग रही है, बहुत ही बढ़िया लग रहा है। बाकी यार कल से भाई उस गाड़ी ने हमारा जीना हराम कर दिया था। जहाँ पर हम जा रहे थे भाई वो गाड़ी पता नहीं कैसे उसी जगह पर पहुँच जा रही थी और गाइस यार वो हमारा पीछा ही नहीं छोड़ रही थी। और भाई एक मज़े की बात, मैंने अपना रिवेंज भी ले लिया बेलाज गैंग वालों से। मैंने ना भाई उनके अड्डे में उस गाड़ी को बुला कर भाई पूरा का पूरा भाई बेलाज गैंग ख़त्म करवा दिया। वैसे देखो काले काले बादल भी दिख रहे हैं, मुझे लगता है भाई ज़ोरों से बारिश होने वाली है। लेकिन भाई देखो ये देखो यहाँ पर ये देखो चोप भाई खर्राटे मारकर सो रहा है, क्योंकि भाई कल से उस गाड़ी ने हमारा जीना आराम कर दिया था। चलो भाई फाइनली उस गाड़ी से भाई पीछा छूट चुका है। अब मुझे पूरा यकीन हो गया है कि भाई मैंने उस गाड़ी को खत्म कर दिया, मैंने उसे ऐसी जगह पर फेंका है वो कभी वापस नहीं आने वाली। और एक सेकेंड में शिनचैन को देखता हूँ। ये लो भाई देखो शिनचैन भी भाई मजे से सो रहा है, चेयर पे ही भाई इसको नींद आ गई है। कल से ये भी हमारे साथ ही भाग रहा था तो भाई ये बैठे बैठे यहीं पर सो गया। चलो भाई इसे डिस्टर्ब नहीं करते, हम भी चलते हैं सोने, क्योंकि भाई मैं भी बहुत ही थक चुका हूँ। अब तो भाई मुझसे भी नहीं चला जा रहा, अब मैं जा रहा हूँ बेड पर सोने मजे से। आज तो मैं मजे से सोऊंगा भाई, उस गाड़ी ने हमारे भाई नाक में दम करके रखा था। बट अब मैंने ना उस गाड़ी के भाई टुकड़े टुकड़े करके भाई पूरे पार्ट्स अलग करके पानी में फेंक दिया है। लेकिन अब मुझे तो आ रही है भाई जोरों की नींद, तो भाई मैं तो जा रहा हूँ सोने। गुड नाइट।
भाई एक सेकेंड, मैंने फिर से उस गाड़ी को देख लिया, ये मेरा वहम तो नहीं। अभी भाई लिटरली मैंने इस गाड़ी को अभी अभी भाई यहाँ पर देखा और ये भाई गाड़ी सेकंडों में गायब हो गई। मैं यहाँ पर छाता निकाल लेता हूँ भाई, मैं गीला ना हो जाऊँ, मुझे सर्दी जुकाम ना हो जाए। लेकिन भाई लिटरली मैंने इस गाड़ी को भाई यहीं पर देखा। अब तो भाई मुझे डर लग रहा है, मुझे लगता है वो गाड़ी वापस तो नहीं आ गई। एक सेकंड भाई मैं सिंचेन को देख कर आता हूँ। अबे यहाँ पर तो चौक भी नहीं है। अरे भाई चौक भी यहाँ पर नहीं है, वो गाड़ी भाई चौक को उठा कर तो नहीं लेके गई। मैं एक बार बाहर चल के देखता हूँ भाई, यहाँ पर तो कुछ भी मुझे नज़र नहीं आ रहा। आसपास भाई कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, बस इस तूफानी बारिश के अलावा यहाँ पर तो भाई कुछ भी नहीं है। मुझे लगता है मेरा वहम होगा, मैंने कोई सपना वगैरह देख लिया होगा। अगर भाई वो सपना ना हुआ तो भाई क्या होगा। लेकिन भाई जो भी यहाँ पर नहीं है, मैं एक बार अंदर चल के देखता हूँ, क्या पता बारिश की वजह से वो अंदर चला गया हो। एक सेकंड भाई मैं देख कर आता हूँ, मुझे तो बहुत ही डर लग रहा है, चौक भाई लिटरली गायब हो चुका है। एक सेकंड भाई ये तो यहीं पर सो रहा है, चौक और सिंचेन दोनों भाई यहीं पर है। भाई मैं तो डर ही गया था, मुझे लगा भाई वो किलर कार वापस आ गई है और इन दोनों को भाई उठा कर तो नहीं लेके चली गई, और चौक भी उस जगह पर नहीं था तो भाई मैं डर गया। इसी की वजह से भाई मुझे लगा कि भाई वो किलर कार इन दोनों को उठा कर ले गई। लेकिन शुक्र है भाई वो एक सपना था ना कि हकीकत। चलो भाई कोई बात नहीं, मैंने बुरा सपना देख लिया था और इस बुरे सपने को भुलाना बेहतर रहेगा मेरे लिए। तो भाई चलते हैं भाई सोते हैं सीधा, मुझे तो भाई नींद आ रही है। एक बार फिर से गुड नाइट। अबे कलवे उठ जा उठ जा, अबे कलवे उठ जा, सुबह हो गई है। अरे भाई कौन है सुबह सुबह जो मेरी नींद खराब करने आ गया। अबे कलवे मैं हूँ यार, उठ जा। अरे क्या हो गया चौक, सुबह सुबह भाई यहाँ पर तू क्या कर रहा है। और भाई ये बारिश अभी तक नहीं रुकी। नहीं बे कलवे, पर सिंचन भी गायब है। अरे सिंचन बाथरूम वगैरह गया होगा। अरे कलवे बाथरूम में तो मैं था, सिंचन पता नहीं कहाँ चला गया। क्या बोल रहा है, पागल तो नहीं हो गया, रात को तो मैंने वहीं पर देखा था तेरे साथ ही सो रहा था। अबे कलवे लेकिन अब वो नहीं है। अरे चौब एक बार ठीक से देख तो लेता। अबे कलवे मैंने पूरा घर देख लिया, वो यहाँ पर नहीं था। एक सेकंड भाई मैं खुद देख कर रहा था, तेरे पे भाई मुझे यकीन नहीं हो रहा। रात को तो मैंने उसे भाई देखा था कि वो चेयर पे सो रहा था और तू कह रहा है कि भाई सुबह को वो पता नहीं कहाँ चला गया। एक सेकंड में देख कर रहा था, सिंचन तू कहाँ पर है। अरे एक सेकंड भाई सिंचन तो सच में यहाँ पर नहीं है। अबे कलवे फिर मैं क्या बोल रहा था। लेकिन भाई वो गया कहाँ सुबह सुबह, और इतनी तेज बारिश भी हो रही है। अबे कलवे तुझे यकीन आया, पर वो सुबह सुबह गया कहाँ होगा इतनी तूफानी बारिश में। भाई यहाँ पर तो आसपास नहीं दिख रहा। ओ भाई एक सेकंड, ये भाई छाता किसका, ये सिंचन का तो नहीं है। अबे कलवे इसका हो ही नहीं सकता। क्या मतलब। अबे कलवे हमारे घर में बस एक ही छाता है, वो तेरे पास है। हाँ लगता है किसी का भाई इतनी तूफानी बारिश में उड़कर आ गया होगा। अरे कलवे छाते को छोड़, सिंचन को ढूंढ कहाँ पर है। अरे भाई एक सेकंड मैं सोच रहा हूँ, ये लड़का सुबह सुबह कहाँ चला गया, इतनी तेज यहाँ पर बारिश हो रही है, तूफानी बारिश हो रही है, और ये पता नहीं कहाँ चला गया। अबे कलवे मुझे लगता है भाई उसका किडनैप तो नहीं हो गया। अरे उसका किडनैप कौन करेगा। अबे कलवे तुझे नहीं पता हमने कल बिलाज गैंग से बदला लिया था, मुझे लगता है उन्होंने ना बदला लेने के लिए सिंचन को किडनैप कर लिया। अरे ये भी हो सकता है भाई, यहाँ पर बिलाज गैंग वाले भाई सिंचन को उठाकर तो नहीं लेके गए। हाँ चौक तू ठीक कह रहा है, उस दिन भाई बिलाज गैंग के भाई बॉस था भी कुछ पता नहीं था, और वो भाई वहाँ पर अड्डे पे था ही नहीं। मुझे लगता है वो बाहर चला गया होगा और उसे भाई पता चल गया कि भाई ये मेरा काम है, इसी की वजह से भाई उन्होंने भाई सिंचन को उठा लिया। अबे कलवे मुझे भी डर लग रहा है वो उसके साथ कुछ करना दे। चौक तू डर मत, ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा। अबे कलवे एक काम कर, जल्दी से पुलिस स्टेशन चल और जल्दी से उसकी रिपोर्ट लिखाते हैं मिसिंग की। हाँ चौक तू ठीक कह रहा, जल्दी से आ जा, किसी की गाड़ी वगैरह देखते हैं, यहाँ पर तो भाई किसी की भी गाड़ी नजर नहीं आ रही। एक सेकंड भाई अब क्या करें। कलवे इधर आ जा, ये देख गाड़ी। अरे हाँ ये तो भाई शर्मा जी की गाड़ी है, काम करते भाई शर्मा जी की गाड़ी उठा कर चलते हैं, हम उसे बाद में भाई कॉल पे बता देंगे कि हम आपकी गाड़ी लेकर चले गए थे।
जल्दी जल्दी से आ जा। चल बे कल्बे, मैं गाड़ी में बैठ गया हूँ, कितनी देर लगाएगा, जल्दी से चल ले। हाँ ठीक है चोप, चल रहे हम सीधा। अबे कल्बे जल्दी से पुलिस स्टेशन चल, वरना देर हो जाएगी। अरे हाँ चोप मैं चल रहा हूँ, बारिश के कारण थोड़ा गाड़ी को कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा है। देख गाड़ी भाई स्लिप कर रही है, और भाई इतनी तूफानी बारिश में तू ऊपर क्या कर रहा है, तू अंदर भी तो बैठ सकता है ना। कल भी मुझे भाई इस मौसम में मजा आता है ऊपर बैठने में। अच्छा ठीक है भाई, यहाँ पर इतनी बारिश हो रही है और यहाँ पर हमारा दोस्त भी भाई घूम हो गया है, और तुझे भाई मजे की पड़ी है। अबे कलवे यार अभी तू चल ले पुलिस स्टेशन, बाद में तू मुझे सुना दियो। चलो भाई बारिश तो भाई बंद हो चुकी है, लेकिन भाई हम अभी तक पुलिस स्टेशन नहीं पहुँचे। यहाँ पर भाई फटाफट से भाई पुलिस स्टेशन चलते हैं, यहाँ पर भाई शॉर्टकट से चलेंगे ना तो भाई जल्दी पहुँच जाएंगे पुलिस स्टेशन। अबे कलवे जल्दी से चल ले। अबे कलवे लेकिन मुझे अभी तक समझ नहीं आया, क्या अगर सिंचन का किडनैप हुआ है तो अभी तक किडनैपर ने कॉल क्यों नहीं किया। हाँ चोप तू ठीक कह रहा है, लेकिन भाई अब हमें क्या पता किसने उसे किडनैप किया होगा। अबे कलवे मुझे डर लग रहा है, मुझे लगता है भाई किलर कार ने उसे भाई किडनैप किया है। अरे चोप तुझे ऐसा क्यों लग रहा है। अबे कलवे तेरे ऊपर भी उस गाड़ी ने अटैक किया था। हाँ मेरे पे तो किया था। और मेरे पे भी किया। हाँ तो क्या हुआ। अरे लेकिन सिंचन पे तो नहीं किया था ना। अरे हाँ चोप ये तो मैंने सोचा ही नहीं। अरे हाँ उस गाड़ी ने भाई सिंचन को छुआ तक नहीं है। तो फिर कलवे मैं कब से क्या बोल रहा हूँ। चोप ये तो बहुत ही दिक्कत हो गई। हेलो ऑफिसर मुझे एक कंप्लेन लिखानी है। हाँ जी क्या लिखवाना है आपको कंप्लेन में। मेरा दोस्त गुम हो चुका है। गुम हो गया है। हाँ मतलब किडनैप हो गया है। किसने किया। एक गाड़ी ने। मतलब आपके दोस्त का किडनैप एक गाड़ी ने किया है। जी हाँ एक गाड़ी ने किडनैप किया, प्लीज मेरी मदद कीजिए मेरे दोस्त को ढूंढने में। वैसे आपको किसी पर शक है, और वो गाड़ी कौन चला रहा था। वो एक गाड़ी है जो खुद ही चलती है भाई, उसका कोई भी ड्राइवर नहीं है। अरे पागल वागल हो गए क्या, सुबह सुबह पी ली क्या। सर जी इनकी कंप्लेन तो सुनिए। हाँ तावड़े क्या हुआ। सर जी ये बोरा एक गाड़ी है जिसको कोई भी नहीं चलाता, और उसने भाई इसके दोस्त का किडनैप कर लिया है। अबे ओए तुझे सुबह सुबह हम ही मिले, चल भाग यहाँ से। सर जी प्लीज मेरे साथ चलिए, मेरे दोस्त का किडनैप हो गया है, मैं सब सच बोल रहा हूँ। हाँ सर ये सच बोल रहा है। अरे कुत्ता बोलता भी है। अरे सर मैं आपको वो बाद में समझा दूंगा, पहले भाई मेरी रिपोर्ट लिखी है और मेरी मदद कीजिए। एक किलर कार है जो हमारे पीछे पड़ी है और वो हमें मारना चाहती है, और उसने मेरे दोस्त का भी किडनैप कर लिया है। लगता है तुम पागल हो गए हो। सर जी मेरा यकीन, एक सेकंड भाई ये तो गाड़ी यहाँ पर भी आ गई। अबे कलवे किलर कार तो यहाँ पर भी आ गई। सर मैं इसी गाड़ी की बात कर रहा था। अरे कलवे ये तो गाड़ी अंदर आ रही है। अरे चुप हट जा। अबे अरे भाई इसने तो मुझे मार डाला रे। अबे मार डाला रे। अरे कलवे मैं भी भाई इस गाड़ी के अंदर आ गया हूँ, जल्दी से मुझे बचा ले। अरे चुप भाग जा यहाँ से भाई, ये गाड़ी पागल हो गई है। देख यहाँ पर पुलिस वालों को भाई ये कैसे मारी है। भागो भागो भाई, वो तो गाड़ी भाई मेरे पीछे आ गई, पुलिस स्टेशन तक आ गई वो। अरे भाई ये रही वो गाड़ी भाई, मेरे पीछे लग चुकी है। भागो यहाँ से भाई, यहाँ से गलियों से मैं भागता हूँ भाई। ये तो गाड़ी भाई पागल हो गई है, कोई तो बचाओ। अरे ये गाड़ी पागल हो गई है भाई, इसने पूरा पुलिस स्टेशन खत्म कर दिया। अब ये मेरे पीछे लग चुकी है। भाग फ्रैंकलिन भाग, वरना तो यहाँ पर भाई खत्म है। चलो चलो यहाँ से भागते हैं। एक सेकंड भाई, ये तो भाई फंस चुकी है उस भाई खंभे में। जल्दी जल्दी से मैं यहाँ से भागता हूँ, यही मौका है। भाग भाग फ्रैंकलिन यहाँ से भाग, वरना भाई ये गाड़ी तुझे भाई कच्चा चबा जाएगी। एक सेकंड भाई, ये गली कहाँ जाती है भाई, यहाँ पर तो आगे रास्ता ही नहीं है। लेकिन एक सेकंड भाई यहाँ पर देखो ये सीढ़ियाँ, जल्दी से चढ़ता हूँ यहाँ पर। एक सेकंड भाई, जल्दी 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 ऊपर चढ़ो, ऊपर चढ़ो। चलो भाई चलो भाई, मैं यहाँ पर ऊपर आ चुका हूँ। लेकिन भाई वो कहाँ चली गई गाड़ी भाई, मुझे उससे क्या। एक सेकंड भाई, ये वाली मैं गाड़ी लेकर भाई यहाँ से फरार होने की कोशिश करता हूँ इसकी। तो भाई ये गाड़ी भाई पूरा पुलिस स्टेशन खत्म करके भाई सबको मार के भाई फिर से भाई मेरे पीछे लग गई है। इसको कैसे पता चल जाता है कि भाई मैं कहाँ पर जा रहा हूँ। देखो जहाँ पर मैं जाता हूँ भाई, ये गाड़ी भाई मुझसे पहले वहाँ पर खड़ी होती है। चलो चलो यहाँ से गाड़ी को लेके यहाँ से भागते भाई, किसी की यहाँ पर मदद लेते हैं। लेकिन भाई वेट, ये तो फिर से आ गई। अरे नहीं भाई, ये तो भाई ये गाड़ी भाई मुझे यहाँ पर मार ही डालेगी। भागो भागो यहाँ से, जल्दी जल्दी से यहाँ से निकलो। पता नहीं कहाँ से भाई जब मेरी मौत मेरे करीब होती है, उस दिन भाई ट्रैफिक भी पता नहीं कहाँ से मुझे मिल जाता है। एक सेकंड भाई, जल्दी जल्दी से भागता हूँ। लेकिन भाई वेट, अभी मुझे याद आया यहाँ पर भाई एक वेपन शॉप थी। एक काम करता हूँ भाई, वहाँ से वेपन खरीद के गाड़ी को भाई
सबक सिखाता हूँ। एक सेकंड भाई, ये गाड़ी को, अरे अरे भाई भागो भागो भागो, ये फिर से आ गई भाई, पता नहीं कैसे भाई मेरे आगे आ जाती है। एक सेकंड भाई, यहाँ से मैं जल्दी से वेपन लेकर आता हूँ, इसकी तो आज मैं इसको नहीं छोड़ने वाला। भैया मेरे पीछे गाड़ी लग चुकी है, जल्दी से मुझे खतरनाक से वेपन दो जो आप मुझे रोज देते हो। चलो चलो, यहाँ पर मैंने बहुत सारे वेपन खरीद दिए, अब इसकी ऐसी की तैसी। कहाँ गई वो गाड़ी, इसकी भैंस की टांग, कहाँ पर है तू? किलर कार आ जा तो इसको मैं बताता हूँ कहाँ चली गई, यहीं कहीं पर छुपी होगी इसकी, तो आज मैं इस गाड़ी को नहीं छोड़ने वाला। आजा मेरे सामने, तू कहाँ पर है तेरी ऐसी की तैसी, अब आजा मेरे पास, तुझे मैं बताता हूँ कहाँ चली गई तू किलर कार, अब आजा ना तुझे बताता हूँ, अब होगा मुकाबला बराबरी का। कहाँ चली गई भाई ये गाड़ी, जल्दी जल्दी से मैं गाड़ी को लेकर भाई यहाँ से निकलता हूँ, मुझे चौक को भी ढूंढना पड़ेगा, वरना भाई वो गाड़ी चौक तक अगर पहुंच गई तो वो चौक के साथ क्या करेगी। इससे पहले भाई वो गाड़ी पहुंचे, उससे पहले मुझे चौक के पास पहुंचना होगा। जैसे ही मैंने भाई वेपन खरीदे, वो गाड़ी पता नहीं कहाँ गायब हो गई, लगता है डर कर भाग गई। उसे पता चल गया कि भाई अगर वो रुकती तो वो पक्का मारी जाती। एक काम करते भाई, जल्दी से यहाँ से चलते भाई, चलो चलो यहाँ से निकलते। अरे अरे एक सेकंड भाई, ये गाड़ी कहाँ से आ गई भाई, गाड़ी को यहाँ पर पलटा दिया इस गाड़ी ने, पता नहीं कहाँ से भाई, ये तो भाई ब्रेक भी नहीं लगाते इनकी तो। गाड़ी भाई देखो तोड़ दिया, मुझे दूसरी गाड़ी उठानी पड़ेगी फटाफट से। इस वाली गाड़ी को भाई लेकर जल्दी से यहाँ से निकलता हूँ, पता नहीं किसकी गाड़ी होगी, पर मुझे अभी जाना पड़ेगा इस गाड़ी को लेकर, क्योंकि भाई उस बंदे से ज़रूरी मुझे काम है। मुझे भाई शिनचैन और चोप दोनों को बचाना पड़ेगा। अब तो मैं यहाँ पर मैं जल्दी से भाई फटाफट से भाई चोप के पास चलता हूँ, मैं पुलिस स्टेशन की साइड चलता हूँ, मेरे पास तो गाड़ी, चोप भाई पैदल ही कहीं पर छुप गया होगा, पक्का यकीन है कि भाई ये इधर ही छुपा होगा, क्योंकि भाई यहाँ से पुलिस स्टेशन बहुत ही करीब है। एक सेकंड भाई, यहाँ से मैं इस गाड़ी को जंप करवाता हूँ, और यहाँ पर भाई आराम से गाड़ी ने लैंड कर दिया है। अब मुझे यहाँ पर देखो थोड़ा सा यहाँ पर डाउट हो रहा है कि भाई चौक यहीं पर होगा, क्योंकि भाई सीधा रास्ता ये जो सामने आ रहा है ना, यही भाई पुलिस स्टेशन का है, और यहीं से भाई चौक भागा था, मैंने लास्ट टाइम देखा था इसे। एक बार भाई यहाँ पर ट्राई करता हूँ, यहाँ पर गाड़ी को पार्क कर देता हूँ, मुझे पक्का यकीन है भाई यहाँ पर थोड़ा सामान वगैरह ज़्यादा पड़े हुए ना, तो भाई चौक यहीं पर होगा। चौक तो अगर यहाँ पर है तो भाई बाहर आ जाओ, वो गाड़ी चली गई है, उस गाड़ी को मैंने भगा दिया। चौक, अरे कलवे कहाँ जा रहा है, मैं यहाँ पर हूँ। अबे कलवे मुझे डर लग रहा है, मैं तो बाहर नहीं आ रहा। अरे चोप तू आजा, मैं तेरे साथ हूँ ना, वो गाड़ी चली गई है। सच्ची? हाँ हाँ, तू जल्दी से बाहर आ जा, उस गाड़ी को देखता हूँ। कलवे यार तू मुझे कहाँ छोड़ के चला गया था? अच्छा हुआ तू मेरे पीछे नहीं आया भाई, वो फिर से मेरे गाड़ी पीछे लग गई थी। अबे कलवे मैं नहीं चल रहा तेरे साथ, मुझे डर लग रहा है। अरे डर मत, अब मैं तेरे साथ हूँ, आजा। अरे कलवे कहाँ जा रहा है, जल्दी से बैठ, मैं तुझे बताता हूँ। अबे कलवे वो वापस ना आ जाए। अरे नहीं आती, मैं तेरे साथ हूँ। अच्छा ठीक है कलवे, मैं बैठ गया हूँ, जल्दी से चल और मुझे बता क्या हुआ था। हाँ चुप, हम यहाँ से निकलते हैं, लेकिन भाई वो किलर कार भाई फिर से मेरे पीछे लग गई थी। क्या बोल रहा है कलवे? देख अपन है ना पुलिस स्टेशन से भागे, तो भाई वो सीधा भाई मेरे पीछे ही आ गई। फिर मैं ना भागते भागते एक वेपन शॉप पर पहुंचा, फिर भाई वहाँ से मैंने बहुत सारे वेपन खरीद लिए, और जैसे ही भाई मैं बाहर आया तो भाई देखता हूँ कि वो गाड़ी गायब है, और भाई सीधा भाई तुझे ढूंढते ढूंढते मैं यहाँ पर पहुँच गया। अरे कलवे तूने देखा नहीं पुलिस स्टेशन में उसने कैसे तबाही मचा दी, अब तो वो गाड़ी भाई और खतरनाक हो गई है। हाँ कलवे, लेकिन यार शिनचैन कहाँ पर है, हमें शिनचैन को भी बचाना होगा। अरे एक सेकंड भाई चुप। हाँ कलवे क्या हुआ? अबे तू तो भाई सूंघ सकता, तू तो एक भाई डॉगी है, अगर तूने किसी की भी भाई खुशबू भाई सूंघ ली तो भाई तू उस बंदे को भाई ढूंढ सकता है ना। अबे कलवे मैं ढूंढ सकता हूँ? तो भाई तू अब मुझे बता रहा है। अबे कलवे यार मैं तो भूल गया था डर के मारे। अरे हाँ वो तो मैं भी डर गया था, लेकिन भाई अब मेरे पास ना शिनचैन का रुमाल पड़ा है, वो तुझे मैं सुंघाता हूँ, और तू भाई जल्दी से मुझे भाई उधर लेकर चल शिनचैन के पास। तू भाई सूंघते सूंघते मुझे सीधा भाई लेके चल शिनचैन के पास। चल ठीक है कलवे, मैं गाड़ी के आगे आ जाता हूँ, तू मेरे पीछे पीछे आइयो। जल्दी से भाई ये शिनचैन की खुशबू सूंघ और भाई मुझे वहाँ पर लेके चल। चल कलवे मैं रेडी हूँ, जल्दी से मेरे पीछे आ जा, जल्दी से गाड़ी में बैठ जा। हाँ हाँ चल ठीक है, जल्दी जल्दी से यहाँ पर पहले लेफ्ट मुड़कर सीधा चलता रहे। यहाँ पर? हाँ कलवे ये ठीक जा रहा है, राइट मुड़ जा। चल ठीक है, अब सीधा चलता रहे जब तक मैं तुझे यहाँ पर बोलूँ नहीं। चल चल जल्दी से चलता रहे, सीधा चलता रहे। अरे वाह तू यहाँ पर खुशबू सूंघ सकता है। अबे कलवे तू मुझे हल्के में ले रहा है। अरे नहीं नहीं बस तू चलता रहे। अरे कलवे ये तो रास्ता बीच की तरफ जाता है, और ये तो भाई माउंट चिलियाड की तरफ भी रास्ता जाता है ना। हाँ अबे कलवे मुझे लग रहा है भाई वो आसपास यहीं पर होगी। चल अब राइट मुड़ जा, अब चल लेफ्ट मुड़ जा। अच्छा ठीक है, अब सीधा चलता रहे जब तक मैं तुझे बोलूं नहीं। चलो गाइस हम उस किलर कार के पास जा रहे हैं, और भाई पक्का यकीन है भाई हम उस किलर कार को खत्म करके शिनचैन को बचा लेंगे। चल कलवे सीधा चलता रहे। भाई ये तो पलीटो हाईवे ना। हाँ वे कलवे शिनचैन की खुशबू यहीं से आ रही है, बस तू सीधा चलता रहे। अब चल वे कलवे लेफ्ट मुड़ जा। अच्छा ठीक है यहाँ पर? हाँ बस अब चलते रहे सीधा, यहीं से भाई खुशबू आ रही है बहुत जोरों की शिनचैन की। अरे वाह इतनी तेज खुशबू आ रही है,
आप कल भी अब लेफ्ट मुड़ के और सीधा चलता रहे। अच्छा ठीक है भाई, तो सही तो मुझे लेकर जा रहा है ना। कल भी अब लेफ्ट मुड़ के नीचे उतर जाए इस बीच पर। कहाँ पर लेकर जा रहा है? अरे सिंचुन की खुशबू यहीं से आ रही है। आवे भाई सीधा चलता रहे, सीधा चलता रहे। चोप तुझे पक्का यकीन है तू भाई ठीक रास्ते पे जा रहा है? अबे कलवे यार मुझे यहाँ पर ध्यान लगाने दे यार, मुझे तंग मत कर, वो मेरे पीछे आता रहे। हाँ हाँ भाई मैं तुझे तंग नहीं करा भाई, चलता रहे। अब राइट मुड़ जा, राइट मुड़ जा। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, यहाँ पर रास्ता तो भाई मुझे नहीं लग रहा कि होगा। अब यहाँ पर चलता रहे सीधा सीधा, अब यहाँ पर लेफ्ट मुड़ के ऊपर चढ़ जा। अबे भाई ये तो माउंट चिलियार की तरफ रास्ता जा रहा है। अबे कलवे तू ठीक जा रहा है, बस चलता रहे मेरे पीछे आ जा। इसके ऊपर चढ़ूं? अबे यार कलवे बस चढ़ता रहे, ऊपर चढ़ता रहे। अब यहाँ पर थोड़ा थोड़ा यहाँ पर लेफ्ट होता रहे होता रहे। लेकिन भाई हम तो फिर से पलीटो हाईवे पे आ गए। अबे कलवे जहाँ जहाँ भाई फिनटेन को उठाकर वो गाड़ी लेके गई थी ना, वहीं वहीं पर मैं तुझे लेके जा रहा हूँ। हाँ चोप मैं चल रहा हूँ, आ तो उस गाड़ी की ऐसी की तैसी। अब कलवे नीचे उतर जा, राइट मुड़ कर थोड़ा सा नीचे उतर जा। हाँ ठीक है ठीक है, अब थोड़ा लेफ्ट लेफ्ट, अब राइट राइट थोड़ा। अरे अरे भाई यहाँ पर भाई मैं कहीं पर भी नहीं जा सकता। चल ठीक है चलता रहे चलता रहे, अब राइट मुड़ जा, राइट मुड़ जा। अबे कलवे क्या कर रहा है? अरे चोप थोड़ा सा एडजस्ट कर ले यार, ये गाड़ी ऑफ रोडिंग के लिए थोड़ी है, इस पानी को पार करूँ। अबे हाँ कलवे पार कर दे, पार कर दे। अब सीधा चलता रहे, सीधा चलता रहे, और थोड़ा थोड़ा लेफ्ट लेफ्ट, थोड़ा राइट 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 राइट, फिर थोड़ा लेफ्ट लेफ्ट, फिर राइट राइट। अरे भाई क्या बोल रहा है? हाँ बस चलता रहे सीधा चलता रहे। हाँ सीधा सीधा चलता रहे चलता रहे, अब लेफ्ट 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 लेफ्ट। चल ठीक है मैं तेरे पीछे पीछे आ रहा हूँ। हाँ भाई कलवे बस इस कच्चे रास्ते को छोड़ियो मत, बस इसके ऊपर चलता रहे और सीधा सीधा चलता रहे। बस यहाँ पर मुड़ना होगा, मैं तुझे बता दूंगा। अच्छा ठीक है भाई, मैं यहाँ पर सीधा सीधा चल रहा हूँ। वैसे अपन हाईवे से भी तो जा सकते ना। कलवे अब मुझे सिंचेन की खुशबू तेज से आ रही है। हाँ चोप मैं तेरे पीछे ही आ रहा हूँ, बस तू चलता रहे भाई। भाई कैसे भी करके भाई सिंचेन तक मुझे पहुंचा दे, बाकी का काम मैं खुद कर लूंगा। बस तू एक काम कर ले भाई, सिंचेन तक मुझे पहुंचा दे। हाँ कल भी बस चलता रहे, देख यहाँ पर सीधा चलता रहे थोड़ा लेफ्ट। पता नहीं किस हाल में सिंचेन होगा। अब यहाँ पर राइट मुड़ जा, राइट मुड़ जा। अरे भाई क्या कर रहा है यार, मैं क्या करूँ, खुशबू यहाँ से आ रही थी तो मैंने यहाँ पर बोल दिया। पता नहीं किस हाल में भाई होगा वो सिंचेन भाई, पता नहीं उसने कुछ खाया भी होगा या नहीं भाई। कब से वो गायब है, कल रात से वो गायब है भाई, पता ही नहीं चल रहा उसका, आता पता नहीं भाई कब से वो गायब है भाई, उसने कुछ खाया है कि नहीं भाई, कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे यार चौक यार सीधा चलते चलते भाई यहाँ पर रात होने वाली है भाई। देखो यहाँ पर इस चौक का पीछा करते करते भाई रात हो चुकी है, और भाई अभी तक भाई सिंचेन हमें नहीं मिला। कल भी यार अब तो मुझे यहाँ पर और भी भाई तेज से खुशबू आ रही है सिंचेन की। अच्छा अरे ये तो माउंट चिलियाट है, मुझे लगता है माउंट चिलियाट पर तो नहीं है वो। हाँ कल भी मुझे भी ऐसा लग रहा है। वापस वापस वापस, लेफ्ट मुड़ जा, लेफ्ट मुड़ जा। क्या करा है चोप, सही से तो देख। अरे कल भी अब तो भाई और भी तेज खुशबू आती जा रही है। अच्छा हमें ना सिंचेन के बहुत ही करीब है, अब तो हम इस गाड़ी को नहीं छोड़ने वाले, उस गाड़ी को हमारे हाथों से कोई नहीं बचा सकता। अरे 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 भाई क्या कर रही है भाई ये वुमन, क्या कर रही थी भाई, गाड़ी कैसे चला रही है, एक साइड नहीं चला रही, देखो अभी टक्कर हो जाती। चल चल कलवे चलता रहे। अबे भाई आगे तो रास्ता ही नहीं है। अरे कलवे फिर जंप मारना यहाँ से। अच्छा तू भी यहाँ से मार लेगा? अरे कलवे देख क्या रहा है, जंप मार यहाँ से। ओ भाई साहब चौक पर मैंने भाई क्या एक खतरनाक भाई जंप मारी है, और गाड़ी भाई हमारी पलटते पलटते बची गई इस चौक की मेहरबानी से। अरे कलवे यार क्या कर, जल्दी से इस गाड़ी को निकालो, चलता रहे, लगता है सिंचेन बहुत ही करीब है हमारे। अच्छा चल चल सीधा चलता रहे, लेफ्ट हो जा, लेफ्ट हो जा, लेफ्ट मुड़ जा, लेफ्ट। अरे हाँ हाँ चौक में तेरे पीछे हूँ। राइट राइट थोड़ा राइट, थोड़ा राइट, थोड़ा लेफ्ट। चल चल सीधा चलता रहे राइट राइट राइट। अबे कलवे यार क्या कर रहा है? अरे मैं क्या करूँ, थोड़ा लेफ्ट मुड़ जा, नीचे उतर यहाँ से, राइट राइट राइट। हाँ हाँ ठीक है मैं तेरे पीछे ही आ रहा हूँ, चलता रहे सीधा चलता रहे, राइट राइट राइट। अरे एक सेकंड भाई, ये रही वो गाड़ी, ओ भाई एक सेकंड। अबे कलवे मैंने तुझे कहा था ना कि भाई मैं तुझे पहुँचा दूंगा। एक्सलेंट चोप, तूने तो भाई सच में मुझे यहाँ पर पहुँचा दिया, और देख भाई वो रही वो गाड़ी, और भाई सामने तो भाई सिंचेन इसके पड़ा हुआ है, मुझे लगता है ये भाई बेहोश हुआ पड़ा है, वो देखो ये गाड़ी भी भाई लगता है सो रही है। अबे भाई इस हालत में इसने सिंचेन को रखा है इसकी, तो आज मैं इस गाड़ी को नहीं छोड़ने वाला। रुको इसकी ऐसी की तैसी, अभी मैं इसे बताता हूँ, इस गाड़ी के अंदर बैठकर भाई मैं इस गाड़ी को भाई फेंक दूंगा दूर जाकर। अरे अरे भाई एक सेकंड। अबे कल में बहुत बढ़िया टक्कर मार इस गाड़ी के साथ, और इस गाड़ी को नीचे फेंक दे। अरे भाई चोप भाई मैं इस गाड़ी को कंट्रोल नहीं कर रहा, ये गाड़ी भाई मुझे कंट्रोल कर रही है। अरे भाई कोई तो बचाओ, अरे भाई ये तो गाड़ी पागल हो गई लगता है। अबे कल भी ये तू क्या बोल रहा है, तेरे हाथ में स्टेयरिंग है, तू ही कर रहा है। अरे भाई मैं नहीं करा, ये मुझे गाड़ी पता नहीं कहाँ लेके जा रही है, चोप भाई बचा मुझे। अरे भाई ये पागल हो गई गाड़ी लगता है, हट जाओ भाई दूर हट जाओ, ये गाड़ी
पागल हो गई है भाई, ये क्या कर रही है? अरे भाई ये तो गाड़ी मुझे उठा उठा के पटक के मार देगी भाई, कोई तो बचाओ भाई, ये गाड़ी पागल हो गई, मेरे हाथ में ये कंट्रोल ही नहीं हो रही। अबे भाई ये क्या कर रही है गाड़ी मेरे साथ? अरे यार इस गाड़ी को क्या हो गया भाई, ऐसे तो भाई ये मुझे पक्का मार डालेगी। अबे भाई कोई तो बचाओ इस गाड़ी को भाई, क्या हो गया है? अरे नहीं भाई ये तो भाई हवा में जा रही है भाई, मैं भी इस गाड़ी के साथ हवा में, ये क्या करना चाह रही है मेरे साथ? अरे भाई कोई तो बचाओ भाई, कोई तो बचाओ भाई, मैंने सिंचेन को भी नहीं देखा भाई किस हालत में होगा वो भाई, वो बेचारा बेहोश हुआ पड़ा था। और भाई देखो मैं यहाँ पर इस गाड़ी के साथ भाई अपने भाई जिंदगी के साथ खेल रहा हूँ भाई, सिंचेन को भी मैंने नहीं देखा। अब यार क्या करूं भाई इस गाड़ी के साथ इसकी, तो अब ये गाड़ी तो भाई मेरे गले में आ गई है। अरे भाई ये गाड़ी तो मुझे गोल गोल घुमा रही है भाई, छोड़ दे मुझे भाई, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा, एक ही बार तो भाई मैं तुझे जंगल से लाया था, इतनी बड़ी तूने सजा मुझे दे दी, अब तो भाई छोड़ दे। एक सेकंड भाई इसकी तो, अरे भाई एक सेकंड भाई, यार ये क्या कर रही है, पागल वागल हो गई ये गाड़ी, कोई तो बचाओ भाई इस गाड़ी से भाई, ये गाड़ी तो भाई रुकने का नाम ही नहीं ले रही भाई, मैं इसका यहाँ पर ब्रेक भी यूज़ कर रहा हूँ बट ये ब्रेक नहीं मार पा रही है। एक सेकंड भाई मैं यहाँ से जंप करके देखता हूँ, यहाँ से मैं जंप करता हूँ इसकी तो, यहाँ पर मैंने जंप तो कर लिया भाई, यहाँ पर मैं नीचे गिर गया। इसकी भैंस की टांग अभी इसे बताता हूँ, तेरी ऐसी जैसी रुक जा तुझे मैं बताता हूँ, तेरी भैंस की टांग कहाँ भागती है भाई साहब। गाड़ी से तो मैं नीचे उतर गया हूँ लेकिन भाई ये गाड़ी अभी तक भाई रुकने का नाम ही नहीं ले रही है, गाड़ी भाई पागल वागल हो गई है इसकी तो। अभी मैं इसे RPG गन से बताता हूँ कहाँ तक ये भागेगी, इसे पता नहीं है भाई इसने किससे पंगा लिया है, तेरी तो ये ले। अरे अरे नहीं भाई मेरे पास आ रही है, अबे भाई 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 मुझे ही उड़ा डाला इसने तो, कहाँ तक भागेगी इसकी भैंस की टांग, रुक जा तेरी ऐसी की तैसी, रुक जा तुझे मैं बताता हूँ। अबे भाई मैं ही नीचे गिर गया इसकी तो, एक सेकंड भाई मैं इसे बताता हूँ, ये ले तेरी ऐसी की तैसी भाई, गाड़ी तो भाई दूर जाके गिरी है इसकी भैंस की टांग और मैं भी भाई दूर जाके गिरा हूँ, बट कोई बात नहीं इस गाड़ी को तो भाई मैं नहीं छोड़ने वाला। ये ले इसकी भैंस की टांग, देखो भाई गाड़ी लगता है भाई पूरी तरह से खत्म हो चुकी है और भाई मुझे भी आग लग चुकी है भाई, कोई तो बचा भाई, भागो 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 इसकी तो। यहाँ पर मैं इस गाड़ी को नहीं छोड़ने वाला, इस गाड़ी को भाई RPG के साथ भाई मैं इस गाड़ी के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा भाई, इसने मेरे दोस्त को भाई किडनैप किया, सिंचेन को किडनैप किया और भाई चोप और मुझे भाई बहुत ही तंग किया, इसने भाई मेरे ऊपर भी हमला किया था एक बार और एक बार चोप के ऊपर, और आज तो भाई हद ही हो गई, वो सिंचेन को उठा कर ले गई इसकी भैंस की टांग। अभी भाई मैं कुछ लेकर आता हूँ और इसका बंदोबस्त करता हूँ इस गाड़ी को, अभी बताता हूँ। चलो भाई मैं इस JCP को लेकर आया हूँ और आज मैं इस गाड़ी को भाई समुद्र के अंदर नहीं फेंकूंगा, आज मैं इसे ज़मीन के अंदर गाड़ दूंगा। दो बार भाई मैंने इस गाड़ी को भाई पानी के अंदर फेंका, मुझे लगा ये वापस नहीं आएगी लेकिन भाई नहीं, इसने तो हद ही कर दी, दोनों बार ये वापस आ गई और आज तो भाई ये खत्म है, आज तो मैं इसे भाई जमीन में गाड़ दूंगा और आज के बाद ये कभी वापस नहीं आएगी इसकी भैंस की टांग। चलो भाई फाइनली इस किलर कार से छुटकारा मिल चुका है, मैंने इसको भाई जमीन के अंदर गाड़ दिया है, अब तो भाई ये कभी वापस नहीं आने वाली। और गाइस यार मैंने इसे दो बार भाई पानी के अंदर फेंका था लेकिन ये वापस आ जाती थी, अब देखता हूँ भाई ये कैसे वापस आती है, अब तो किसी को पता ही नहीं चलेगा कि इसके अंदर भाई एक किलर कार है जो भाई फ्रैंकलिन की जान की दुश्मन बनी हुई थी, लेकिन भाई अब ये यहाँ पर ख़त्म हो चुकी है। चलो भाई फाइनली इस गाड़ी से छुटकारा मिल चुका है, अब जल्दी से चलते हैं सिंचेन को देखने, उसे होश आया कि नहीं। बाकी यार इस वीडियो को यहीं पे करते हैं एंड, और आई होप आपको इसमें मज़ा आया होगा। बाकी गाइस अगर आप चाहते हैं कि मैं इसका नेक्स्ट पार्ट भी जल्द से जल्द लाऊं तो भाई फटाफट से 500 लाइक कंप्लीट करवा दीजिए, और गाइस मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।